हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके जो है मानचित्र अध्ययन यानी कि जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है उसके अंतर्गत मानचित्र अध्ययन के सेक्शन से जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए इसको करने वाले। थोड़े से क्वेश्चन है बट ये इम्पोर्टेंट है और आपके जो सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए हम इसको जो है करवा दे रहे हैं। नहीं तो हम इसको जो है वो जो है नहीं, मतलब कि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है इसलिए इसको जो है स्किप करने वाले थे। लेकिन आपके लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग भी इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन हमारा गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने, रीटर ने। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो आपका हैसुर विधि का विकास है वह जो है वह आपके लेहमान ने किया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो पर्वतीय ऑप्शन हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो पर्वतीय छायांकन विधि जो होता है इसमें भू आकृतियों पर आपको जो है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से जो प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की जो विधि होती है इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारा अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैसियर या फिर तलचीन। तो यहाँ पर जो छोटी महीन और खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की जो विधि होती है इसे हम लोग हैसुर विधि कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पर तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारा स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन या समोच्च रेखा। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की जो मापी गई ऊंचाई होती है उसे हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। ऑप्शन हमारा पर्वत, पठार, मैदान या जल। तो अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में जो है नीले रंग से वह आपको जो है जल को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है, यानी कि जो मानचित्र होता है इसमें आपको जो जहाँ जल को दिखाना होता है वहाँ नीला रंग से ऐसे कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जल है पता चले। अगला हमारा क्वेश्चन है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन हमारा हरा, लाल, पीला या भूरा। जो हमारा मानचित्र होता है इसमें मैदान को दिखाना होता है इसे हम लोग जो है वो हरा रंग से दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। जो मानचित्र में सफेद रंग है वह आपके ऑप्शन हमारा पर्वत, हिमाच्छादित शिखर, पठार या मैदान। तो मानचित्र में सफेद रंग है वह आपके जो है हिमाच्छादित शिखर यानी कि बर्फ से ढके हुए शिखर को दर्शाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो आपका मानचित्र अध्ययन का सेक्शन था इसमें कुल जो है वो यहाँ 7 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है जस्ट लाइक आपके एग्जाम में आ गया कि मानचित्र में मैदान को या फिर पूछ दिया कि सफेद रंग से किससे दर्शाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसलिए इसे करवा दिया गया। तो अगर आप लोग को याद था तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जरूर याद कर ले। और भी नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी जो है डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की हर एक नोटिफिकेशन को एट द टाइम पाने के लिए हमारे जो टेलीग्राम लिंक से जुड़े और हमारे चैनल के साथ भी बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।